हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ऑसम सिटी हैदराबाद। हम स्पेशल कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम आपको बहुत ही यूनिक रेसिपी बताने वाले, बहुत ही टेस्टी रहेगी, बहुत ही क्रंची क्रिस्पी सॉफ्ट रहेगी, बहुत ही अच्छी टेस्टी रहेगी। आज हम बनाएंगे पोहा पापड़, पोहा वेफर्स, और बहुत ही देखिए क्रंची रहेगी, बहुत ही टेस्टी रहेगी, यम्मी रहेगी। वीडियो एंड तक देखिए, बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें पोहा चाहिए, इसको हमने वॉश कर लिया है, पहले ही वॉश करके सुखा लिया है। हमने 2 कप पोहा लिया है, इसे हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। इसका हमने पाउडर बनाया है, फिर इसमें हमने वाटर ऐड किया है ताकि हम इसका अच्छे से पेस्ट बना लें। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें पानी मिलाएंगे, और ये जो हमने पोहे को ग्राइंड किया है, इसका पेस्ट बनाया है, ये इसमें ऐड कर लेंगे पैन में। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, बहुत ही अच्छी रहेगी, बहुत ही क्रिस्पी आपको पापड़ खाने को मिलेंगे। रेडीमेड घर में बने हुए हाइजीनिक तरीके से बहुत ही टेस्टी रहेंगे। आप कभी भी इसे खा सकते हो, एनी टाइम स्टोर करके भी रख सकते हो आप, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना के रख सकते हो। ये हमने जो पानी ऐड किया है पैन में, इसे हम पोहे को ये जो हमने ग्राइंड किया है, जिसका पेस्ट बनाया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सारा अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है पानी में। इसे ऐसे ही हम हिलाते रहेंगे ताकि जब तक ये पानी में अच्छे से पूरा घुल ना जाए, इसकी कंसिस्टेंसी एक जैसी थिक ना हो जाए, तब तक हम इसे स्टर करते रहेंगे। अच्छे से मिक्स करते रहिए इसे, नहीं तो ऐसे लम्स आ जाएंगे। इसे हम मिक्स करके अच्छे से एक कंसिस्टेंसी बनाना है इसकी थिक। ऐसे ही हम मिलाते रहेंगे जब तक ये पूरा एक जैसा ना हो जाए। इसमें हमने 2 टीस्पून सॉल्ट मिलाया है, आप अगर कम खाते हैं नमक तो आपके टेस्ट के हिसाब से मिला लीजिए आप। इसे हम अच्छे से ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी कंसिस्टेंसी अच्छे से ठीक हो गई है। अब हम इसमें अजवाइन मिलाएंगे 1 टीस्पून। एक टीस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर मिलाएंगे, क्यूमिन सीड्स, क्योंकि बहुत ही अच्छा सोंधा टेस्ट आता है ये जो हमने डाला है इसमें दोनों चीज़ें, इससे बहुत ही सोंधा मज़ा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसमें। एक एक बाइट में जब ये सारे चीज़ें आती हैं तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही टेस्टी रहता है। अच्छे से हम इसे कुक होने देंगे। ये अच्छे से कुक हो गया है, अच्छे से एक जैसी कंसिस्टेंसी आ गई है इसकी, तो हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इसको हमने फिर से एक बार ग्राइंड कर लिया है ताकि अगर कोई भी लम्स रहे तो निकल जाए। अब हम एक पेपर शीट पे या प्लास्टिक की शीट पे आप इसे डाल सकते हो सूखने के लिए, ताकि ये अच्छे पापड़ के शेप में सूख कर बन जाए। इसे हम ओवरनाइट रख देंगे सूखने के लिए, या फिर अगर डे टाइम में बना रहे हो तो आप इसे धूप में कुछ इसके ऊपर ढककर आप इसे सुखा लीजिए, जाली वगैरह, नहीं तो इस पर डस्ट आ जाएगी। ट्वेंटी फोर आवर्स तक हम इसे सूखने देंगे अच्छे से, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो जितना भी हमने बैटर बनाया है, इसका जितना भी पेस्ट बनाया है, ये सारा हम स्प्रेड कर लेंगे एक प्लास्टिक की शीट पे। आप घर में कभी भी इसे तल के खा सकते हो, जब आप
जैसे हम पापड़ खाते हैं वैसे उसी तरह इसे भी हम खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रहेगा, बहुत ही यम भी रहेगा। और कम इंग्रेडिएंट्स में ये बन गया है हमारे पोहा पापड़। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं है, कोई लंबा प्रोसेस भी नहीं है इसको, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही इजी वे में बन जाएगा ये। ये देखिए हमने सारा इसमें हमने प्लास्टिक पेपर्स पे हमने इसे स्प्रेड कर लिया है। ओवरनाइट हम इसे सूखने देंगे और फिर हम इसे सुबह चेक करेंगे। ओवरनाइट हमने इसे फ़ैन के नीचे हमने सुखा लिया है इसे। ये देखिए ये एक दिन के बाद ये ऐसे हो गए हैं सूख कर, क्रिस्पी क्रिस्पी हो गए हैं। ये देख सकते हो आप, इसकी आवाज़ सुन सकते हो, सूख कर अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। और ये अब ये रेडी टू फ्राई है, अब हम इसे तल लेंगे, डीप फ्राई कर लेंगे इसे। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से बन गए हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आ रहा होगा और खाने के बाद बहुत टेस्टी रहेंगे, बहुत यमी रहेंगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अब चलिए हम इसे फ्राई करके बताते हैं आपको। इसमें और कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डालने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ एक दो इंग्रेडिएंट्स में आपके क्रिस्पी क्रंची टेस्टी पापड़ बन गए हैं। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, ये देखने में भी उतने अच्छे लगेंगे, आपको खाने में भी उतने अच्छे लगेंगे, लाइट वेट रहेंगे और बहुत ही टेस्टी रहेंगे। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दौसम सिटी हैदराबाद अम्मी स्पेशल को, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और अच्छे यूनिक वीडियोस देखने के लिए। हमारे चैनल पे कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत सारे कुकिंग हमने बताई है, बहुत ही ईजी मेथड से अच्छी कुकिंग बताई है आपको चैनल पर, तो ज़रूर देखिए वो भी। ये देखिए कितने अच्छे से फूल रहा है तेल में, अच्छे से सूख गया है, अच्छे से फूल रहा है, अच्छे से फ्राई हो रहा है, कहीं पे भी कच्चापन नहीं है इसमें, अच्छे से सारा सूख गया है ये ओवरनाइट। और ये देखिए फ्राई भी कितना अच्छा हो रहा है, हम इसे तोड़कर भी आपको बताएंगे, इसकी आवाज़ भी सुनाएंगे आपको, ये कैसे क्रिस्पी और क्रंची बना है। बहुत ही लाइट वेट रहता है ये, बहुत ही टेस्टी रहता है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये पोहा पापड़। वैसे तो पापड़ कई तरीके के होते हैं, हम आपको दूसरे भी पापड़ बताएंगे इंशाल्लाह। ये यूनिक है पापड़, ये कोई नहीं बनाते हैं, ये ज़्यादा लोग नहीं बनाते हैं ये, तो इसलिए हमने ये आपको बताया है, क्योंकि ये कम इंग्रेडिएंट्स में बगैर कोई मेहनत के ज़्यादा मेहनत के ये बन जाता है ये आसानी से। एक एक करके हम सारे पापड़ ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। आप इसे दाल के साथ, खाने के साथ, राइस के साथ, अचार के साथ, अंडे के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हो आप ये, या फिर ऐसे भी तल के खा सकते हो, जैसे हम लेज़ वगैरह खाते हैं ये भी ऐसे ही खा सकते हैं, होममेड है तो बहुत ही टेस्टी रहेगा। ये देखिए आप इसकी आवाज़ सुन सकते हो, कितने क्रिस्पी क्रंची बने हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़रूर कमेंट करके बताइए आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।